है, अभी मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है ना, आज हम कुछ मतलब है ना, जो अपना रेगुलर सिलेबस है उसके हिसाब से नहीं है आज की क्लास। आज मैं आपको एक्शन के बारे में कुछ बताऊंगा, आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, है ना। मतलब बहुत सारे काम है जो आप एक्शन में कर सकते हो, उससे क्या होगा ना कि आपका टाइम बहुत बचेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि आपका है ना प्रोडक्शन बढ़ेगा डिज़ाइंस का, मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी आपकी, तो आप काम है ना वो फास्ट कर सकते हो। तो एक्शन के कुछ बेसिक यूजेस हैं, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके अलावा दूसरा क्या होगा ना कि आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स या फिर जो भी कुछ सवाल पूछने हैं, समझ लीजिए आज का वीडियो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर वाला है, तो आपको जो भी मतलब पूछने हैं सवाल आप पूछ सकते हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, है ना, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो आज। और दूसरी बात कि आज की क्लास है ना ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, आधे घंटे तक के है ना उसमें हो जाएगा पूरा कवर, आई थिंक। ठीक है, फिर अभी हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस बना के रखी है ना। ये जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है तो फोटोशॉप वाली है, ये क्या काम करती है मुझे भी नहीं पता, मैं अगर इसको प्ले करके देखूँ तो क्या होगा, प्ले भी नहीं होता है शायद, यहाँ से होगा। है ना, ये कुछ तो है मतलब एक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट, बट ये कभी यूज़ नहीं करते हम। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्शंस बना के रखी हैं जो मेरे काम को बहुत इजी बना देती हैं। जैसे यहाँ पहली अगर एक्शन आप देखोगे, ये सेट वन के अंदर भी कोई एक्शन बना के रखी है मैंने, बट मैंने इसको कुछ नाम नहीं दिया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन है। फिर दूसरी जो है ना JPG विथ नेम, है ना, ये एक्शन भी मैंने एक ढूंढ के निकाली थी, मतलब बनाई थी मैंने। इसका क्या काम है ना कि मैंने इसका वीडियो भी शायद यूट्यूब के ऊपर डाल के रखा है, हम बहुत सारी फाइल को है ना JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी मदद से, बट जनरली हम है ना यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना, एक्शन की क्या ज़रूरत है हमको। हमको अगर करनी है तो हम स्क्रिप्ट में जाके, इमेज प्रोसेसर में जाके, यहाँ से हम है ना इन दो फॉर्मेट वाली फाइल्स को, PSD और TIFF वाली फाइल को हम JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक्शन का क्यों यूज़ करना है हमको, क्योंकि एक्शन की मदद से जब हम इसको करेंगे ना तो इसके ऊपर नाम भी प्रिंट होगा साथ में, जैसा फाइल के नीचे आप देखते हो ना कभी कभी इधर एक नाम आ जाता है फाइल का जो भी है, तो वो है ना उसके साथ में बना देगा। इसको मैं एक बार करके देखता हूँ क्या आता है क्या नहीं, है ना। तो यहाँ पे लेकिन सेव कुछ अलग जगह पे रखा है मैंने, एफ के अंदर, ओल्ड बैकअप के अंदर, है ना, हम एक बार इसको प्ले करके देखते हैं, है ना, साड़ी दामन JPG। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, यहाँ पे आता हूँ और एफ ड्राइव तो अभी है ही नहीं मेरे पास, तो मैं ई के अंदर जाता हूँ। इसके अंदर है ना मैं कुछ फाइल्स बनी है शर्ट की, चार पांच फाइल हम इधर से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर है ना एक फोल्डर बना हुआ है JJJ नाम का, यहाँ पे मैं इन फाइल्स को कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, जो भी इसके अंदर फाइल्स हैं मैं सब डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने चार पांच फाइल जो इनको पेस्ट कर दिया। अब ये जो एक्शन बने, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आपकी सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, जी। हाँ दिख रही है अभी। हाँ हो सकता है बारिश की वजह से इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसके लिए शायद थोड़ा लैग करेगी। तो मैंने क्या किया ना, कुछ फाइल्स यहाँ पे रखी है और मैं आपको जस्ट डेमो दिखाने वाला हूँ इस एक्शन का, इस एक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं। खाली मेरे को है ना यहाँ पे ये जो सेव वाला ऑप्शन है ना, इसको मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना, इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जहाँ पे ये सेव का लोकेशन आ रहा है ना, ये अभी ड्राइव लगा नहीं है, मतलब ये मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थी जो अभी लगी नहीं मेरे लैपटॉप में, तो इसको हम कर रहे थे डिलीट फिलहाल। ओके, और इसके जगह पे मैं क्या करूँगा ना, अभी एक फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं कोई भी, ये मैंने ओपन कर ली, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ओरिजिनल फाइल को हम बंद कर लेंगे। ठीक है, और इसके लेयर्स मर्ज कर देते हैं, क्योंकि जो फाइल हम सेव करने वाले हैं ना JPG फॉर्मेट में करने वाले हैं, तो क्लोज के है ना, क्लोज जो है ना इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से फ्लैटन इमेज तक रखते हैं खाली। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। अभी रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद अभी हमको करना है कंट्रोल शिफ्ट एस, है ना, कंट्रोल शिफ्ट एस करना है। एक्शन कैसे बनी है क्या नहीं वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले हमें ना देख लेते कि क्या होता है। फिर ये जो आया ना, यहाँ पे मैंने JPG सिलेक्ट कर लिया है
और इसको मैं कर देता हूँ सेव, और यहाँ पे 12 करेंगे हम, ओके कर देंगे, ओके, और बाद में इसको कर देंगे बंद, ठीक है। तो फ्लैटन इमेज तक यहाँ तक तो मैंने एक्शन बना के रखी थी, इसके बाद खाली मैंने सेव और क्लोज इधर ऐड कर दिया। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी हमें ना इस एक्शन को प्ले करके देखते हैं। तो जो मैंने कॉपी फाइल की थी सेव, अभी उसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम जाएंगे फाइल में, और हमको जब है ना बहुत सारी फाइल्स को एक्शन अप्लाई करनी होती है तब हम स्क्रिप्ट्स में जाके करते हैं। तो हम यहाँ स्क्रिप्ट में जाएंगे, इधर इमेज प्रोसेसर में जाएंगे। इधर जाने के बाद हम फोल्डर वही सिलेक्टेड है जिसके अंदर मैंने फाइल्स रखी है, फिर यहाँ पे मैं टीफ रखूँगा, है ना, क्योंकि जेपीजी में मैंने मैन्युअली सेव किया है, तो हम यह बाय डिफ़ॉल्ट है ना जेपीजी में नहीं रख सकते, हम टीफ में रखेंगे। तो ये सेव होने के टाइम अपने आप जेपीजी में सेव हो जाएगा। रन एक्शन के अंदर ऊपर हम क्लिक करेंगे इधर, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं एक्शन जेपीजी विथ नेम, और इसको कर देते हैं रन। अभी एक्शन प्ले हो रही है और ये सारी फाइल्स को अप्लाई हो जाएगी जो जो फाइल्स है ना उस फोल्डर में थी। देखते हैं क्या होता है। अभी मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूँ, ये अपने आप पूरा हो रहा है, होने देते हैं। 3-4 फाइल्स हैं हमारी, थोड़ा वेट कर लेंगे। आई थिंक ये लास्ट वाली है, ठीक है। ओके, इस तरह का मैसेज आ जाएगा आपके पास, इसको ओके के ऊपर हिट कर देना है हमको। ओपन करके देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना जेपीजी फाइल बन के रेडी है अपनी, और इसके ऊपर है ना अच्छा खासा इसका नाम भी प्रिंट हुआ है। हम ओपन करके देख लेते हैं चारों पांचों फाइल्स, ठीक है, एकदम परफेक्टली यहाँ पे जेपीजी फाइल बनी है नाम के साथ, है ना। अभी ये हमको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी क्लाइंट को व्हाट्सएप इमेज भेजते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप में जाने के बाद उस फाइल का है ना नाम चेंज हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी अपने एक रिसेंट क्लास में कहा था कि वो फाइल का नाम है ना व्हाट्सएप, फिर तारीख ऐसा कुछ आ जाता है, व्हाट्सएप इमेज लिख के आता है, फिर डेट आएगी ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, टाइम आएगा। लेकिन हमारी ये फाइल कौन से नंबर की है, क्या नाम की है, ये हमको कैसे पता चलेगा। मान लो आपके पास हज़ारों फाइल्स हैं, और अगर आप बिना नंबर के किसी को सेंड कर देते हो व्हाट्सएप के ऊपर, और वो जब अपने को रिसेंड करेगा इमेज कि हाँ ये ओके है, डिज़ाइन ये मुझे चाहिए, और उसके ऊपर नंबर ही नहीं रहेगा, तो आपको ढूंढने में कितनी दिक्कत हो जाएगी ना हज़ारों फाइल्स में से। उसके लिए है ना फाइल के ऊपर ये नंबर प्रिंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया है, एक एक्शन बनाई है। अगर मैं ये एक्शन की मदद से नहीं करता तो मुझे मालूम है कितना काम करना पड़ता। एक फाइल को हम ओपन करते ऐसे, ठीक है, हम एक एक फाइल को या फिर 50-100 जो भी है फाइल्स पहले तो ओपन करनी पड़ती है हमको, फिर हमको इनको मर्ज करना पड़ता है ऐसे। मर्ज करने के बाद हम इसकी डुप्लीकेट फाइल बनाते, इसकी कैनवास साइज़ बढ़ा देते, 10 की जगह पे हम 11 करते, है ना ऐसे, और फिर इसके अंदर हम टाइप टूल लेके इसका नाम लिखते। नाम भी देख के हमको लिखना पड़ता है यहाँ पे 2840 शर्ट, ठीक है, इस तरह से हमको टाइप करना पड़ता। वो हर बार बड़ा छोटा आ जाता नाम हमारा, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं आता, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें होती, ये सब होने के बाद हम इसको ब्लैक करते, फिर इस लेयर को मर्ज करके इस फाइल को हम सेव करते जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। इतनी लंबी प्रोसेस हो जाती अगर मैं बिना एक्शन के करता तो, लेकिन एक्शन की मदद से किया तो मेरे को क्या करना पड़ा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हज़ारों फाइल्स रहती तो भी वो कन्वर्ट हो जाती इसी तरह से, और हम किसी को भी सेंड कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे फ़ोटोशॉप के अंदर, कि हमारा काम है ना बहुत सारा ऑटोमेटेड हो चुका है, ठीक है। ये तो एक एक्शन है, इस तरह से और भी कई एक्शंस हैं। तो कल जो मैं एक एक्शन दिखाई थी मैंने आपको,
जेपीजी वाली जो हमने फोटोशॉप में सेंड करने के लिए है ना बनाई थी, वो एक्शन में अभी आपको एक लाइव बना के दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया था उसके लिए। ठीक है, हमको जब कोई चीज़ व्हाट्सएप पे सेंड करनी रहती है तो हम क्या करते हैं, मतलब प्रिंट स्क्रीन करते थे आज तक हम, और फोटोशॉप का पूरा इंटरफेस भी उसमें दिखता था, फाइल भी दिखती थी, और वही चीज़ हम व्हाट्सएप में सेंड करते थे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक एक्शन बनाने वाले हैं जिसका नाम मैं देता हूँ है ना व्हाट्सएप इमेज, ऐसा करके मैं इसको नाम दे देता हूँ। ओके कर देते हैं हम इसको। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप सेट आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हम एक न्यू एक्शन लेंगे, एक्शन को भी हम सेम नाम दे देंगे, और आप चाहो तो इसको कोई बटन भी असाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर F5 करूँ है ना, तो F5 जब भी मैं बटन प्रेस करूँगा तो एक्शन प्ले हो जाएगी। और हमें ना अभी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद हमको क्या करना है ना, अभी मैंने स्टॉप कर दिया फ़िलहाल क्योंकि मैं फ़ाइल एक बार चेक करना चाहता हूँ है ना। तो इसके अंदर लेयर भी रखने हैं हमको फ़िलहाल, क्योंकि हर फाइल तो हमारी ऐसे लेयर मर्ज वाली नहीं होगी ना, तो हमको ओरिजिनल फाइल यहाँ पे ओपन रखनी है विथ लेयर वाली है ना, जिसके अंदर सारे लेयर्स भी होंगे, हर एक चीज़, मतलब जैसे हम नॉर्मली फाइल बनाते हैं ना सारी चीज़ें वैसी होगी। वो फाइल अभी यहाँ पे ओपन है और ये एक्शन इधर ओपन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, लेयर वाला पैनल है थोड़ा साइड में ले लेता हूँ इधर, क्योंकि मुझे हो सकता है ना लेयर भी देखना पड़े और एक्शन भी देखना पड़े, तो लेयर वाला पैनल हमने साइड में निकाल लिया। अभी हम है ना लाइव एक्शन बनाने वाले हैं व्हाट्सएप वाली, जिसको हम इमेज सेंड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से है ना इसको रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम ईजी, आप भी बना लोगे। तो ये रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी। अभी मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना है इसके अंदर, सबसे पहले मुझे रिकॉर्ड करना है Alt+L+F है ना, फ्लैटन इमेज। तो मैं इमेज के सारे लेयर्स मर्ज कर रहा हूँ, ये मैंने मर्ज कर दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, इसकी इमेज साइज छोटी करनी है, क्योंकि हमको पता है व्हाट्सएप में बड़ी फाइल है ना लेता नहीं व्हाट्सएप, तो एक पर्टिकुलर साइज़ की इमेज लेगा वो। तो हम क्या करेंगे ना, इसकी विथ में साइज़ कम करेंगे, हाइट में जो होगी वो उसके रेशो में ऑटोमेटिकली हाइट में भी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कर लेते मान लो 15 इंचेस। ठीक है, और रिजोल्यूशन कर लेते 100। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 10 इंच था, फिर आपने 10 का 15 कर दिया, फिर इमेज साइज कैसे छोटी हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पे रिजोल्यूशन भी तो मैंने छोटा किया है ना। 15 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि साड़ी की फाइल जो रहती है ना वो काफ़ी है ना 6 मीटर की साड़ी रहती है, वो 15 इंच में बनेगी तो थोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। मतलब साड़ी के लिए अपने को है ना पर्टिकुलर अलग से कोई एक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्शन हमारी हर जगह पे काम आएगी कोई भी इमेज को कन्वर्ट करके सेंड करने में। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच लिखा है, रिजोल्यूशन 100 कर दिया। यहाँ पे बिक ऑटोमेटिक ही रखेंगे हम, क्योंकि इमेज अपनी स्मूथ दिखनी चाहिए थोड़ी। तो हम इसको करेंगे ओके। ठीक है, ये भी चीज़ हमारे एक्शन के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है, आप देख सकते हो। अभी पहली बार में हुआ फ्लैटन इमेज, सेकेंड टाइम में हुआ इमेज साइज, फिर थर्ड टाइम में हमको क्या रिकॉर्ड करना है, Ctrl+A Ctrl+C। ओके, इतना हमने कर लिया। तो अभी है ना, अभी हम ये हमारे एक्शन हमारे लगभग कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं कहेंगे हम इसको, मतलब बन चुकी है। अभी भी आप Ctrl+V करोगे इधर व्हाट्सएप में तो वो इमेज चली जाएगी। ठीक है, बट हमको क्या करना है, हमारी कभी मान लो भूल से हमने ओरिजिनल फाइल को ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दी और ऐसे ही सेव हो गई वो, तो है ना उसके सारे लेयर मर्ज हो गए, उसकी साइज़ कम हो गई, उसका रिजोल्यूशन कम हो गया, ओरिजिनल फाइल के साथ अगर इस तरह से गड़बड़ हो गई तो है ना, तो हमको वो भी सोचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, अभी जितनी हमने स्टेप यहाँ पे दी है, कितनी स्टेप हो गई, 4, उतनी स्टेप में हमको Ctrl+Alt+Z करना है इसको, Ctrl+Alt+Z Z Z है ना, लेयर्स भी आ गए। तो आई थिंक 3 बार इनफ है, मतलब फाइल हमारी जैसी थी वैसी हमको मिल गई। फिर हम इसको स्टॉप कर देते हैं, अभी हमारी एक्शन परफेक्ट बन चुकी है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना, इस फाइल को कर देता हूँ बंद और दूसरी कोई फाइल को इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मेरे को एक सिंगल एक आध दो फाइल किसी को भेजनी है, मैंने ओपन की यहाँ पे, मैं सीधा यहाँ पे F5 प्रेस कर दूंगा मेरे कीबोर्ड के ऊपर। ओके है ना, तो ये हो गई एक्शन प्ले। और फिर मैं यहाँ आऊँगा व्हाट्सएप के अंदर और यहाँ पे मैं सिर्फ है ना इधर पेस्ट करूँगा तो ये फाइल आ जाएगी इधर, आ गई। उसके बाद आप इसको सेंड कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोई नाम वाम नहीं आया, आप चाहो तो वो भी सिस्टम कर सकते हो,
तो उसके लिए आपको है ना पहले वाले एक्शन में जो हमने चीज़ें की है ना वो सारी चीज़ें इसके साथ करनी पड़ेगी, तब हो सकता है इसके साथ नाम भी आ जाए। तो वो चीज़ है, अगर हमको तुरंत मतलब है ना फास्ट किसी को सेंड करनी है इमेज, तो ये हमारी एक्शन इस तरह से बन चुकी है। इसमें क्या हुआ, पहले तो इमेज मर्ज हो गई, फिर साइज छोटी हो गई, उसके बाद इमेज अपनी नॉर्मल पुराने फॉर्म में भी आ गई है, जैसे पहले थी ना हमारी लेयर वाली इमेज, बड़ी साइज़ वाली है ना, रिजोल्यूशन वगैरह सब बड़ा है इसका। तो कंट्रोल खाली वी करना है हमको और वहाँ पे सेंड कर देना है, इस तरह से एक्शन काम करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप है ना बहुत सारी जगह पे एक्शंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत सारी इमेज का अगर आपको साइजिंग करना है, मान लो कोई इमेज ऐसे है जो आपके किसी फोल्डर में रैंडम रिजोल्यूशन में सेव है, किसी का 100 रिजोल्यूशन है, किसी का 150 है, किसी का 300 है, तो आपको अगर सारी की सारी फाइल्स का एक सेम रिजोल्यूशन करना हो आप उसके लिए एक्शन बना सकते हो, है ना। अगर आपको सारी फाइल्स रोटेट करनी है, मान लो बहुत सारी फाइल्स है आपके पास, सारी फाइल्स वर्टिकल है, उनको अपने को 90 डिग्री रोटेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो एक्शन की मदद से। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आप एक्शन की मदद से कर सकते हो, और जितना आप एक्शन का यूज़ करोगे उतना अच्छा। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एक्शंस है तो वो मैंने डायरेक्टली मतलब हेलो, सर ये बोल रही थी, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही, आ रही आवाज। जैसे कि अभी आपने इसका बनाया है टीममेट कटिंग का, ये जैसे कि वो साड़ी की फुल साड़ी बनाते हैं ना 6 मीटर वाली, तो उसका फिर विड्थ वगैरह कितना रखेंगे इसका भेजने के लिए? वो 15 इंच में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको है ना अभी साड़ी को भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। नहीं आ रही मेरी आवाज? हेलो, आ रही हाँ। है सर? बीच में ब्रेक हो गई थी आपकी आवाज। अच्छा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्ड हो रहा है सब। ओके तो हमें ना एक साड़ी की भी एक्शन बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक साड़ी है, साड़ी के एक्शन मतलब हमें ना इसको अप्लाई करके देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लेयर्स हैं, और साड़ी जो है इसकी साइज़ भी 235 इंचेस है ना, सेंटीमीटर में हो जाती है 597 सेंटीमीटर। रिजोल्यूशन इसका 72 है। तो हम क्या करते हैं ना, अभी जस्ट एक्शन है ना प्ले कर देते हैं यहाँ से। तो ये फ्लैटन इमेज हो गई है ना, साड़ी अपनी वापस पुराने फॉर्म में आ चुकी है वापस। और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना कि हमारी जो एक्शन एकदम सही बनी है, हम इसको बड़ी से बड़ी डिज़ाइन से लेके छोटी सी छोटी डिज़ाइन को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे हमने पहले सेट करके रखी है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बंद कर देते हैं फाइल को। मैं एक और एक्शन का डेमो दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे सबके। जैसे कि अभी मेरे पास है ना एक फाइल है यहाँ पे, शर्टिंग की फाइल है, इसको मैं एक डुप्लीकेट फाइल बना लेता हूँ फिलहाल, ओरिजिनल को बंद कर दूंगा मैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएशन नाम का एक एक्शन बनाया था। अभी इसकी मदद से क्या होता है ना, जैसे मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको क्या होता है, आप खुद को खुद जान जाओगे आप। मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक्शन प्ले की है और सारा काम ही फोटोशॉप कर रहा है। ठीक है, अभी ये ना फाइल सेव भी हो चुकी है उसके साथ ही साथ। तो अब ये कहाँ से हुई ना वो मेरे को नहीं पता है, मैं ढूंढ निकालता हूँ तुरंत।
और है ना कुछ कुछ सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ किया करो, जैसे यहाँ पे एक एवरीथिंग नाम का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही काम की चीज़ है। ये 006 नंबर, ये है ना तुरंत ढूंढ निकाल लेता है फाइल को। तो ये कहाँ से हुआ यार? अच्छा इधर देख लेता हूँ मैं, एक्शन में पता चल जाएगा अपने को। नीचे आते हैं। अच्छा क्लोज, नो नो नो, डेस्कटॉप पे हुआ है, ट्रिपल जे नाम के फोल्डर में होगा शायद। हाँ ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना इस एक्शन का काम, इसमें जाते हैं हम वापस और वो पुरानी वाली फाइल वापस ओपन कर लेते हैं, तो हमको है ना अच्छे से पता चल जाएगा क्या है इसका काम। ओके इसको साइड बाय साइड रख लेते तीनों इमेजेस को हम। तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, इस एक्शन ने एक फाइल के तीन वर्जन्स बना दिए अलग अलग, है ना। जो 006TF है ना ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, और ये जो JPG में सेव हुआ है ना ये इसी के दो अलग अलग वर्जन है। अब ये जो दो अलग अलग वर्जन है इसी फाइल में से बने हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अगर आप एक फाइल बनाते हो ना तो दो फाइलें फोटोशॉप अपने लिए बना के दे देगा उसकी, अलग अलग स्टाइल की। तो ये भी काम हम एक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो ये है ना बहुत डीप है, आप जितना करोगे उतना कम है इसके अंदर, जितना नॉलेज लोगे उतना कम है। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन कौन सी चीज़ें करना चाहते हो। आपको पहले ढूंढ निकालनी पड़ेगी कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसका सोल्यूशन आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि मैं एक्शन की मदद से इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो कितना आसान हो गया, अगर मुझे एक स्टाइल की तीन डिज़ाइन चाहिए होगी तो मैं एक फाइल बना दूंगा उसके दो ऐसे वर्जन बना दूंगा मैं अलग अलग, तो दो डिज़ाइन मेरी फ्री में बन गई ना मेरे पास, कुछ करना नहीं पड़ा हमको। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे आप है ना अलग अलग तरीके से बहुत सारे एक्शंस बना सकते हो, ठीक है। अभी हम है ना क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर रिपीट सेट करने में प्रॉब्लम आता है सबसे ज्यादा, रिपीट सेट करने होता है सर, मैंने वो ट्राई किया तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। रिपीट सेट करने के लिए हमारे है ना पहले दिन से, मतलब जब से ऑफसेट वगैरह सीखा है तो लगभग हमने प्रैक्टिकली जितने भी ऑल ओवर की या कोई भी डिज़ाइन बनाई होगी ना सबके अंदर वीडियो रिकॉर्डेड है। आप उसमें जाके ध्यान से आराम से देख लो, उसको फॉलो करो। आप क्रॉप नहीं करते होंगे सिलेक्ट ऑल करके, शायद तब कट पड़ता होगा रिपीट में, कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हो आप, इसके लिए आपका रिपीट नहीं बैठ रहा है। तो आपको वीडियो में देखना पड़ेगा जब जब ऑल ओवर हमने बनाया ना उसके अंदर किस तरह से रिपीट सेट किया ओके है ना, उसके अंदर आप ढूंढ निकालो, आपको ज़रूर उसके आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर देखो कोई भी इंसान खुद से कोई चीज़ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है ना वो ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकता, और अगर कहीं से कुछ सीख के करोगे तो भूल जाएंगे। हम स्कूल में जो भी पढ़ते हैं ना वो सीखा सिखाया ज्ञान रहता है, तो हमको किसी को शायद यस सर स्कूल में क्या पढ़े वो याद भी नहीं होगा अब तक, बट जब जब यस हम खुद सर से कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं ना वो हमारे दिमाग में कायम के लिए रहेगी, राइट। यस सर हाँ और किसी का कोई सवाल है? नो सर। सर वीडियो मिल जाएगी है ना? हाँ वीडियो मिल जाएगी आपको। एक्चुअली ये वीडियो है ना मैं यूट्यूब के ऊपर ही डाल दूंगा, कॉमन मतलब यस सर यस किसी को प्राइवेट वगैरह नहीं होगी, है डायरेक्ट वीडियो के कल है ना अपने चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी, आप देख लेना शांति से इसको। यस सर तो ठीक है फिर, मैं कहने का मीनिंग आज का यही था कि आप है ना थोड़ा स्मार्टली वर्क करना सीखिए, क्योंकि अगर आपको हार्ड वर्क ही करना है तो फिर मेरे से जुड़ के आपको क्या फ़ायदा हुआ नया, है ना। यस सर क्योंकि मैं तो मेरा मैं स्मार्ट वर्क जिस तरह से करता हूँ मैं वही नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप भी है ना एक्सपर्ट बनिए अपने फील्ड के, बस यही मेरा उद्देश्य है इस सब चीज़ों का, ठीक है। हेलो हाँ मैडम, सर मुझे डिज़ाइन बनाया था ना उसमें, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कैसे करना है। हाँ आपने डिज़ाइन बनाई है ना वो एकदम अच्छी डिज़ाइन है, मुझे छोटे में मतलब देख के सही लग रही है,
बट मैं आपको है ना ये पूछ रहा था कि ऐसा टेक्सचर आना चाहिए प्रिंट में, ऐसा आ रहा है वो या फिर इससे अलग है? सर लगभग तो मैंने कोशिश तो करी है ऐसा ही। मैं आपको ना ओरिजिनल फाइल भेजूंगी, आप एक बार चेक कर लेना। हाँ क्योंकि ट्राई तो